स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश साप्ताहिक रोजगार समाचार की। साप्ताहिक रोजगार समाचार में सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में होने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। यहां पर कुल मिला के 81 वेकेंट पद भरे जाएंगे जिसमें डिप्लोमा डिग्री के 48, एनटीसी सीटीआई के 33 पद भरे जाएंगे। इन पदों में मुख्यतः फीटर, ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरियन के पद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया जाएगा, उसको चेकआउट करके आप फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा 7 अगस्त 2019 से पहले पहले। आवेदन आपका ऑनलाइन होगा, इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं सेकेंड रिक्रूटमेंट की। डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऊना हिमाचल प्रदेश में 4 वेकेंट पदों पर भर्ती हो रही है। इसमें ग्राउंडमैन के 3 पद रहेंगे, चौकीदार का 1 पद रहेगा। दोनों ही तरह की वैकेंसीज के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए। अगर बात करें इन पदों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट की तो आपका लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई 2019। आपको बता दूं कि आपको अगर इन पदों के लिए अपना आवेदन करना होगा तो आपको जाना होगा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऊना हिमाचल प्रदेश के ऑफिस में 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक। वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करके वहीं सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। बात करते हैं थर्ड रिक्रूटमेंट की। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 112 पदों पर भर्तियाँ होने वाली है। ये टोटली आउटसोर्स भर्ती होने वाली है, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के 7 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट नहीं हो और आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट के 7 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सोशल साइंस में होना चाहिए। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 49 पद भरे जाएंगे। कांगड़ा, किन्नौर, बिलासपुर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, मंडी, सिरमौर, यहाँ पर ये पद भरे जाने वाले हैं। क्वालिफिकेशन आप इसके लिए ग्रेजुएट होने चाहिए। ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के भी 49 पद भरे जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपके सारे सारे पद सेम रहने वाले हैं। इसके लिए भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर बात करें एज लिमिट की तो आप 21 और 45 वर्ष के बीच में होने चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जुलाई 2019। आवेदन करने के लिए आपको अपना रेज्यूम मेल करना होगा। मेल आईडी होगी info@corporatecare.in। आप इस ईमेल आईडी पर अपना रेज्यूम सेंड कर सकते हैं बिफोर 27 जुलाई 2019। नवोदय विद्यालय समिति में क्लर्क, पीजीटी, टीजीटी, स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों पर भर्तियां हो रही हैं। कुल मिला के 2370 पद यहां पर भरे जाएंगे। इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर के 5 पद रहेंगे, पीजीटी के 430 पद, टीजीटी के 1154 पद, फीमेल स्टाफ नर्स के 55 पद रहेंगे, क्लर्क के 135 पद रहेंगे, मिसलिनियस कैटेगरीज ऑफ टीचर के 564 पद एंड केटरिंग असिस्टेंट के 26 पद भरे जाएंगे। आपको अगर एनवीएस की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपको बुक्स क्या क्या पढ़नी है उसका लिंक हम आपको दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जाकर आप अमेजन से इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 9 अगस्त 2019 और फीस डिपॉजिट करने की भी लास्ट डेट रहेगी 12 अगस्त 2019। बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो अगर बात करें असिस्टेंट कमिश्नर के लिए तो आपको देने होंगे 1500 रुपये, पीजीटी, टीजीटी, मिसलिनियस कैटेगरीज ऑफ टीचर्स एंड फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देने होंगे आपको 1200 रुपये, लीगल असिस्टेंट, केटरिंग असिस्टेंट एंड एलडीसी के लिए आपको देने होंगे 1000 रुपीज़। फॉर एससी, एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरीज एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ऑल कैटेगरीज की जितनी भी फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, दे आर टोटली एग्जेम्प्टेड। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानना होगा तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की।
हिमाचल में क्लास 4 के पदों पर रिक्रूटमेंट हो रही है। तहसील कल्याण अधिकारी डाडा सेवा कार्यालय जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक पद दैनिक वेतन भोगी का भरा जाना है, जिसके लिए निम्न शर्तों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। एक पद यहां पर भरा जाएगा। एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 48 के बीच में। 10वीं पास आप होने चाहिए। आप हिमाचल के किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, आप यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 जुलाई 2019। इंटरव्यू होगा 29 जुलाई 2019 को। आवेदन कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। आवेदन करने के लिए आपको एक A4 साइज पेपर में अपना एप्लीकेशन लिखना होगा, मतलब कि अपना आवेदन पत्र लिखना होगा, अपना नाम, एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन, एज, आपका जो भी है आपको सबमिट करना होगा तहसील कल्याण अधिकारी डाटा सेवा में। आप चाहे बाय पोस्ट कीजिए या आप बाय हैंड कर लीजिएगा। अभी आज 20 जुलाई है तो 2 दिन बचते हैं, तो आप यहाँ पर बाय हैंड करके आओ तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की। नेहरू युवा केंद्र संगठन रिक्रूटमेंट 2019 NYKS में रिक्रूटमेंट हो रही है। ये आपका जो जॉब रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। यहाँ पर कुल मिला के 337 पद भरे जाएंगे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के 160 पद भरे जाएंगे। इसके लिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर जो कि पे लेवल आपका रहेगा 10 का, मतलब कि 56,100 रुपये से लेकर 1,70,500 रुपये आपको यहाँ पर पे दी जाएगी। एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर दिस पोस्ट, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कि आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम की, ठीक है, तो आप इस पद के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसके 17 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आपके पास जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। तो आपके पास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तभी आप इन पदों पर अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसका एक पद भरा जाएगा। पे स्केल रहेगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट के 38 पद भरे जाएंगे। पे लेवल आपका रहेगा 6 का और 35,400 रुपीज़ से लेकर 1,12,400 रुपये का आपका यहाँ पर वेतनमान रहने वाला है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साथ में 3 साल का आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप मेरे से वीडियो कॉल बुक करके बात करना चाहते हैं, तो बोलो एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। बोलो एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप अभी मुझे फॉलो कीजिए और मेरे साथ वीडियो कॉल बुक कीजिए। आप मुझसे 10 मिनट 30 मिनट 1 घंटा बात कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक आप मेरे से वीडियो कॉल पे बात कभी भी कर सकते हैं। तो जल्दी बोलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और मुझसे वीडियो कॉल पे बात कीजिएगा। कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, सबका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर लोअर डिविजन क्लर्क, इसके 12 पद भरे जाएंगे। पे स्केल आपका रहेगा 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। लाइब्रेरियन का यहाँ पर एक पद भरा जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए आपका पे स्केल रहेगा 35,400 रुपये और 1,12,400 रुपये का पे स्केल आपका रहने वाला है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन की बात अगर करें तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, 58 वेकेंट पद ये भरे जाने वाले हैं। इसके लिए सैलरी 25,500 रुपये आपको इनिशियल लेवल पे दी जाएगी। BCom आप होने चाहिए, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स वर्क में। 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 23 वेकेंट पद यहाँ पर भरे जाने वाले हैं। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए। पे स्केल आप करेगा 35,400 रुपीज़। और अगर बात करें यहाँ पर आपका शॉर्ट हैंड स्पीड की, तो यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पर वेरी करता रहेगा, आपका हिंदी में अलग रहेगा, इंग्लिश में आपका अलग रहने वाला है।
नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा MTS, मतलब कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के 30 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पद रहेंगे। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री। और अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7 अगस्त 2019। और आपको अगर इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में अगर आपको इन पदों पर अपना आवेदन करना होगा तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक दोबारा से अन्य साप्ताहिक रोजगार समाचार वाली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।